उम्मीद करता हूँ कि आप सब पहले से बहुत ही बढ़िया होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल WT हिंदी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जिसे भारत का दिल कहा जाता है। इस राज्य की सांस्कृतिक विरासत और इसका इतिहास इसे भारत के बाकी राज्यों से और भी ज्यादा खास बनाते हैं। यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है जो इस राज्य में आने वाले देसी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, जिसमें से प्रमुख है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण। दोस्तों आपको बता दें कि यह राज्य राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखे राज्यों में से एक मध्य प्रदेश की। तो फिर चलिए दोस्तों चलते हैं हम सब मध्य प्रदेश के एक बेहद ही शानदार सफर पर। मध्य प्रदेश की राजधानी शहर है भोपाल और इस शहर को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश अपनी चारों दिशाओं में कई राज्यों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश को चौहान और मराठाओं का गढ़ माना जाता है और इसके साथ ही साथ कई वर्षों तक मध्य प्रदेश की भूमि पर अफगानों और मुगलों का शासन काल रहा है और यहाँ पर मराठा शासकों ने साल 1720 से 1760 तक शासन किया और फिर साल 1775 आते आते अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश की भूमि के अधिकतर हिस्सों पर अपना शासन काल स्थापित कर दिया। दोस्तों मध्य प्रदेश ने इतिहास से लेकर वर्तमान तक कई बदलाव देखे हैं। पहले इस राज्य को बहुत ही गरीब राज्यों की गिनती में गिना जाता था, लेकिन दोस्तों आज के समय में मध्य प्रदेश ने व्यापार, शिक्षा और बहुत सी चीजों में बहुत ही अच्छी तरक्की कर ली है। दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली की समस्याओं से गुजरना पड़ता था, पर आज के समय में मध्य प्रदेश के कई भागों में 2400 घंटे बिजली रहती है। इन सब के साथ साथ मध्य प्रदेश की कई ऐसी खास बातें हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले हैं और इन सभी जिलों में इंदौर सबसे बड़ा जिला है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 8 करोड़ से ज्यादा है और जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है और मध्य प्रदेश की भूमि पर कई महान हस्तियों का जन्म हुआ है, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और अर्जुन रामपाल जैसे कई महान लोगों का घर है मध्य प्रदेश। दोस्तों नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और इस नदी को मध्य प्रदेश में रेवा नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और यह नदी भारत में बहने वाली सभी नदियों से एकदम विपरीत बहती है। दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को मंदिरों का घर कहा जाता है क्योंकि उज्जैन में भारत के कई लोकप्रिय मंदिर स्थित हैं और उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। दोस्तों उज्जैन उन चार स्थानों में से एक है जहाँ पर कुंभ के मेले का आगाज किया जाता है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का एक तिहाई हिस्सा पानी और जंगलों से घिरा हुआ है क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश चंबल और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। इसके अलावा यह राज्य अपने संगीत को लेकर पूरी दुनिया में फेमस है और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे महान गायक तानसेन और बैजू बावरा का जन्म इसी राज्य में हुआ था। शिल्प कला और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में फेमस मध्य प्रदेश अपनी चंदेरी की साड़ियों के लिए भी बहुत ही मशहूर है। चंदेरी में साड़ी बनाने का कारोबार लगभग 700 साल पहले शुरू हुआ था और इन सब के साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरे के व्यापार के लिए बहुत ही फेमस है। हीरा उत्पादन में यह राज्य कितना संपन्न है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले इस राज्य से लगभग हर साल 1 अरब तक के हीरे का कारोबार किया जाता है और मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं और इस राज्य में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों में जानवरों की वह सभी प्रजातियां देखने को मिलती हैं जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश को कंट्री ऑफ टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर्स इतनी ज्यादा आबादी में देखने को मिलते हैं कि शायद ही पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिले। और दोस्तों इन सब के अलावा दुनिया के सबसे महंगे महलों में से एक सिंधिया राजघराने का राजमहल ग्वालियर में स्थित है। इस महल को जय विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है और यह महल 40 एकड़ के भूभाग पर फैला हुआ है और दोस्तों इस पैलेस की कीमत लगभग 4000 करोड़ रुपए से अधिक है। 3 मंजिल के इस महल की भीतरी सजावट के लिए 560 केजी से ज्यादा सोना लगा है। दोस्तों मध्य प्रदेश के ओरछा जिले का राजा राम मंदिर पूरी
पूरी दुनिया में फेमस है, जहाँ पर भगवान श्री राम की एक राजा की भांति पूजा की जाती है। पूरी दुनिया में अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश खाने के मामले में भी पीछे नहीं है। यहाँ के पकवान तो भाई बेहद ही लजीज होते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों की दिन की शुरुआत पोहा और जलेबी के साथ होती है। यहाँ के मुख्य पकवान है पालक पूरी, मालपुआ और इंदौरी पोहा जैसे बहुत सारे पकवान मुख्य हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की उन खूबसूरत जगहों के बारे में जहाँ पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। नंबर वन इज मैहर माता का मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के मैहर शहर में स्थित है और इस मंदिर की खोज आला और उदल नाम के दो योद्धाओं ने की थी। नेक्स्ट इज चित्रकूट। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि अपने वनवास के समय में भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण ने 11 वर्ष इसी वन में बिताए थे। नेक्स्ट इज सांची का स्तूप। इस स्तूप का निर्माण मौर्य राजवंश के सबसे महान शासक सम्राट अशोक ने 3rd शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था और यहीं पर भगवान बुद्ध के अवशेष भी रखे गए हैं। तो दोस्तों, यह था मध्य प्रदेश। कैसा लगा आपको यह राज्य और हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी।